निरंतर सर्विसेज चाहिए एयरफोर्स की, निरंतर सर्विसेज चाहिए प्राइवेट ऑपरेटर्स की कि हमारे लोगों को एयरलिफ्ट करते रहें। जो भी हमारे अधिकारी हैं उन्होंने ऑल्टरनेट रूट्स, जैसे मान लीजिए रूट ए बी बंद हो गया तो पहाड़ों के अंदर से कहीं से सी डी रूट खोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो रुद्रप्रयाग है जो सबसे बड़ा जहाँ पे आज प्रॉब्लम है, तो जो मेन रोड्स तो डिस्कनेक्ट हो गई हैं, तो हम उनको वाया चिलवट्टा और घनसाली होते हुए प्रताप नगर होते हुए निकाल रहे हैं। हर हर आधे किलोमीटर पे सड़कें टूटी हुई हैं, धसी हुई हैं। अधिकारी राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं। जो लोग रिटायर करके उनकी भी सर्विसेज रिक्वेस्टिंग कर ली है। राज्य सरकार युद्ध स्तर पे काम कर रही है। हमारे रुद्रप्रयाग जनपद जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है, हरक सिंह रावत जी वहीं से हमारे विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, हम लोग सब घूमे हैं। आज आप 3 दिन समा कैंप कर रहे हैं। जनता में आक्रोश भी है, बेचैनी भी है, लेकिन समय लगेगा क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी से निपटने के लिए 1-8 दिन नहीं, काफ़ी समय लगेगा। मैं अपने उत्तराखंड भाइयों से अपील कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ कि जो यात्री फंसे हैं उनकी मदद करें, आसपास के गांव के लोग उनकी मदद करें। और निश्चित तौर पे जैसे ये हमारे जो बाहर के यात्री चले जाते हैं, तो हमारा ध्यान अपने लोगों पे, जो हमारे लोग हैं जो आज अंदर गांव में हैं, जहां पहुंच नहीं पा रहे, उन गांव की हमें सूचना भी नहीं आ रही, अनगिनत गांव है, नंबर ऑफ विलेजेस जहां वी आर गेटिंग नो फीडबैक। वील ट्राई टू गो, वील ट्राई टू रीच एवरीबडी।